उसको विकास की चिंता थी, आज मंच के सामने आ गया कि भाई मैं जनता के साथ हूं और जनता के साथ रहूंगा। आपको इसलिए चुना जाता है कि आप जनता का हित करें, आपको इसलिए नहीं चुना जाता है कि हम अपने कॉलेज बना लें, हम अपने बस स्टैंड अपनी जमीन में ले जाएं। ऐसा नहीं चलने देगी ये जनता, क्योंकि जनता आजकल खासकर मीडिया हर एक एक जन तक बात पहुंचाती है कि आप कर क्या रहे, आपका दमों में कोई सिस्टम ही नहीं था। आज हमारा विधायक कांग्रेस का है, हमारी सरकार है, आप कहते हैं एनओसी नहीं आएगी, आपको काहे की चिंता है, एनओसी आएगी, हमारी सरकार है, जैसा आप करते रहे हम वैसा नहीं करेंगे, विधि पूर्वक काम हो गए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मनु दादा को, ये सारा श्रेय विधायक के साथ साथ मनु मिश्रा को जाता है कि आपने पूरी तैयारी की और आज पूरी फाइल, वो फाइल कम से कम 10 दिन लग गए हम लोगों को ढूंढने में, वो आज फाइल सामने आई, विधायक जी के सामने आई। और मैं नगर पालिका के जो भी अधिकारी मदद कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और मीडिया के कर्मी को, क्योंकि एक सबका काम है, मिलजुल के करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को भस्मा सुरों से लड़ना है और मिलजुल के काम करना है, तभी अपन सक्सेस होंगे, वरना ये लोग दिक्कत नहीं आएगी, हमें विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे साथ हैं, दिक्कत नहीं आएगी, भाप बस स्टैंड बनेगा, सबको रोजी रोटी मिलेगी, ये हम ऐसा वादा करते हैं। साथ में विधायक जी का धन्यवाद और पूरी टीम का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय कांग्रेस।